केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सीबीआई गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अंतरिम बेल पर भी फैसला सुरक्षित रखा गया है। 29 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी और केजरीवाल के वकील से बात की है इस संबंध में हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी। संजीव जी, आप लोगों ने दो राहत मांगी थी, एक तो ये कि जो गिरफ्तारी हुई थी उसको चुनौती दी गई थी अवैध बताते हुए, और दूसरा रेगुलर बेल के लिए। अब इस मामले में फौरी राहत तो नहीं मिली है? नहीं, देखिए आज आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बहुत करीब 4-4.5 घंटे आर्ग्यूमेंट चली है, छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद स्पेशल कोर्ट ने आज के लिए इसी मैटर के लिए रखा गया था, तो 4-4.5 घंटे की आर्ग्यूमेंट के दौरान दो ऑर्डर रिजर्व हुए हैं। नंबर वन, जो हमने लीगल अरेस्ट को, इलीगल अरेस्ट को चैलेंज किया है, उसके लिए ऑर्डर 4 या 5 दिन के अंदर उसमें ऑर्डर आएगा, और इंटरिम बेल पर भी ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। रेगुलर रेगुलर बेल पे, क्योंकि अभी सीबीआई ने कहा कि हमारी तरफ से कुछ हम रिप्लाई और आर्ग्यूमेंट, फर्दर आर्ग्यूमेंट के लिए टाइम चाहिए, चार्जशीट भी, तमाम चीज़ें वहाँ पर है, तो उसको लेकर भी था। फिर जज ने भी कहा कि पहले रिट किस पे है, इसको लेकर तय कर लिया जाए। नहीं देखिए, उनकी आर्ग्यूमेंट जितनी भी थी उसका हमने काउंटर रिप्लाई दिया, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसके तहत हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में कानून के दायरे में आ सकते हैं, उसी के तहत हमने यहाँ पे बेल लगाई है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में लगे झटके पर शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस की रणनीति गलत थी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एमएलसी चुनाव में लगे झटके की टीस आज शरद पवार के बयानों में नजर आई। उन्होंने एमएलसी चुनाव में मिली मात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। जयंत पाटिल को लेकर हमारे तीनों दल, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस का निर्णय नहीं हुआ था, मेरा ही निर्णय था। मेरे पार्टी के 12 विधायक थे, शेकाप को साथ देने का निर्णय हुआ था। लोकसभा चुनाव हम तीनों मिलकर लड़े थे, सीपीआई, सीपीएम और शेकाप को उस वक्त हम सीट देने के लिए तैयार नहीं थे। शरद पवार के मुताबिक वोटों के बिखराव से एमएलसी चुनाव हारे, महाअघाड़ी गठबंधन से रणनीतिक चूक हुई, तो कांग्रेस की रणनीति भी सही नहीं थी। हमने कहा था कि इस चुनाव के बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें इन दलों को साथ में सीट देंगे, वो सभी ने मान्य किया, लेफ्ट भी मान गए, हम तीनों दल साथ लड़े, यश भी मिला। वक्त रहने पर सीटों का विचार करेंगे, हमने तय किया था ये 12 वोट शेकाप को देंगे। उस वक्त कांग्रेस के ज्यादा वोट थे तो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। चुनावी साल में महाराष्ट्र कांग्रेस में घमासान तेज है। एमएलसी चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर अब कांग्रेस कार्रवाई की तैयारी में है। देखिए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग कराने वाले विधायकों पर कांग्रेस ने सख्ती दिखाई है। कांग्रेस अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने वाली है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने भीतरघात की रिपोर्ट संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों पर कार्रवाई होगी। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में जितेश अंतापुरकर, मोहन हम्बार्डे, सुलभा खोडके, जीशांत सिद्दीकी और हिरामन खोजकर शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा परिषद चुनाव के लिए 12 जुलाई को वोटिंग हुई थी। विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे। इसमें से बीजेपी गठबंधन के 9 उम्मीदवार जीते, जबकि शिवसेना यूबीटी का 1 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने बाजी मारी। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से शरद गुट के जयंत पाटिल चुनाव हार गए थे। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस में हुए भीतरघात को कांग्रेस ने बेहद गंभीरता से लिया है। कांग्रेस अब प्रदेश में पार्टी को धोखा देने वाले नेताओं पर बड़े एक्शन की तैयारी में है।